नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो बिजनेस आइडिया जुड़ा है आपके कपड़ों से। वैसे तो कई बार हमने आपको कपड़ों के बिजनेस के बारे में बताया है, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे साड़ियों की। व्यू तो भारत में साड़ी एक परंपरागत पोशाक है, और अगर हम बात करें साड़ियों की तो पहले होता था कि साड़ियां जो हैं वो आप किसी ओकेजन में पहनते हैं, या फिर कुछ अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ आज भी साड़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनी जाती है। लेकिन आजकल साड़ी को परंपरा से अलग फैशन के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि आजकल हर तरह की साड़ी मौजूद है। अगर आप ट्रेडिशनल में जाएँ तो बनारसी, कांजीवरम, इस तरह की साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको मॉडर्न लुक देना है तो आप जॉर्जेट, शिफॉन, इस तरह की साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। तो आजकल साड़ीज़ में भी बहुत वैरायटी है, और साड़ीज़ की खूबसूरती, साड़ी जो ग्रेस होती है ना, आई थिंक वो किसी भी पोशाक में नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप साड़ियों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस के आइडियाज़ के ऊपर हम बात करेंगे, सब पहलुओं को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको हमारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए देखिए कि कैसे आप साड़ियों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साड़ी व्यवसाय शुरू करने के लिए मॉडल के अनुसार जगह की जानकारी और कानूनी लाइसेंस से संबंधित नियम। यदि आप रिटेल व्यापारी के तौर पर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक दुकान की आवश्यकता होगी। 200 स्क्वायर फीट तक के एरिया में आप अपनी दुकान बना सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी दुकान मार्केट के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित हो, जिससे कि आपके यहाँ अधिक से अधिक ग्राहक आए। यदि आप एक होलसेल व्यापारी के तौर पर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको GST पोर्टल पर जाकर अपना एक GST नंबर लेना होगा। साथ ही बड़े होलसेल व्यापारी के लिए स्थानीय राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार दूसरे प्रकार के लाइसेंस की भी आवश्यकता होगी। इसकी जानकारी आप अपने स्थानीय सरकार की टेक्सटाइल विभाग की वेबसाइट से लें। यदि आप स्वयं साड़ी निर्माता के रूप में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करनी होगी, और स्थानीय और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए श्रम कानून, बिजनेस कानून तथा अन्य कानूनी दावपेच को ध्यान में रखते हुए नियमों को फॉलो करना होगा। साथ ही अपनी फैक्ट्री को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्याप्त सुविधा हो, जिससे कि आपकी फैक्ट्री तक आने वाला कच्चा माल और आपकी फैक्ट्री से तैयार साड़ियों को मार्केट तक पहुंचाने में लगने वाले समय की बचत हो, तथा साथ ही परिवहन का खर्चा कम हो। साड़ी निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल। वर्तमान में साड़ियां मुख्यतः कॉटन और सिल्क की सहायता से बनाई जाती हैं, परंतु इसके अलावा भी कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। जॉर्जेट, शिफॉन, रेयॉन, धागा सिलने वाली बड़ी मशीन, कलेक्शन और पैकिंग करने वाली मशीन। साड़ी व्यवसाय में मुनाफा कमाने के लिए वर्तमान समय की मांग के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आपने कई बार इंटरनेट पर बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर साड़ी सर्च करने के बाद में देखा होगा कि वहां पर आपको एक ही तरह की साड़ियां दिखाई देती हैं, जिनका पैटर्न और डिजाइन लगभग एक समान होता है, और आपको उन सभी साड़ियों में अलग डिजाइन की साड़ी ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि भारत में लगभग सभी साड़ी निर्माता सूरत के क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वहां पर कच्चा माल की उपलब्धता तथा सरकार की पॉलिसी की वजह से आज सूरत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इसी कारण ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी की मदद से साड़ी बेचने वाले विक्रेता सूरत से ही होलसेल मार्केट की दर पर साड़ी का स्टॉक मंगवाते हैं और उसे ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। इस कारण लगभग सभी विक्रेताओं के पास एक जैसा ही स्टॉक रहता है। होलसेल की सामान्य कीमत। क्या आपको पता है कि सूरत में साड़ियों की कीमत लगभग 70 से 1000 रुपए के बीच होती है, जिन्हें ई कॉमर्स वेबसाइट पर लगभग 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बेचा जाता है। इस मार्जिन को देखकर ही आप सोच सकते हैं कि इस व्यवसाय में कितना अधिक मुनाफा हो सकता है। हालांकि वर्तमान में कॉम्पिटिशन बहुत अधिक हो गया है, परंतु आपको अभी भी इस व्यवसाय में सफलता हासिल करने के लिए एक टिप बताएंगे जो कि बहुत आसान है। आप खुद की अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं जो कि केवल साड़ी बेचने का काम करती हो, और इससे अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आप अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग डिजाइन की साड़ियों को स्टॉक के रूप में उपलब्ध करवाएं। अलग क्षेत्र के लिए अलग अप्रोच। जैसे कि आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली साड़ियों अलग सेक्शन में डालें, तथा साउथ के राज्यों की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली साड़ियों को अलग सेक्शन में, जिससे कि आने वाला ग्राहक जिस क्षेत्र में पहने जाने वाली साड़ी खरीदना चाहता है सीधे उस पोर्टल पर जाकर साड़ी खरीद सकता है। अलग और यूनिक डिजाइन को अपनाना। इसके साथ ही आप अपने स्टॉक में विविधता लाएं, अर्थात चाहे तो शुरू में आपको अधिक मेहनत करनी पड़े, परंतु अलग अलग डिजाइन और पैटर्न की साड़ियों को ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। हालांकि हो सकता है कि शुरुआत में आपको इतना अधिक मुनाफा ना हो, परंतु एक बार आपकी वेबसाइट की लोकप्रियता बढ़ने पर अलग अलग डिजाइन की साड़ियों की मांग करने वाली महिलाएं केवल और केवल आपकी ही वेबसाइट पर आएंगी। आप भारत में लोकप्रिय कुछ प्रमुख साड़ियां जैसे कि बलूचारी साड़ी, बनारसी साड़ी, बंदेज साड़ी, चंदेरी साड़ी, इक्कत साड़ी,
जामदानी साड़ी इत्यादि को बेच सकते हैं। साड़ी व्यवसाय करने के लिए अलग अलग बिजनेस मॉडल। ब्रिक और मोर्टार मॉडल पर आधारित दुकान, अर्थात आप एक स्थान पर स्थित दुकान से अपने सामान को एक रिटेल शॉप या फिर होलसेल शॉप व्यवसाय के रूप में शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन साड़ी शॉप मॉडल, जैसे जैसे लोगों तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है, घर पर आधारित साड़ी शॉप मॉडल। यदि आपके पास कम निवेश है तो उस स्थिति में आप अपने घर से ही साड़ी बनाकर व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। लगभग 1,00,000 रुपए तक के निवेश में आप इसकी शुरुआत कर पाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग की सहायता से चलने वाला मॉडल। यदि आप अपनी दुकान से सामान बेचने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो सोशल मीडिया का लाभ उठाकर वहां पर अलग तरीके से मार्केटिंग कर साड़ी बेच सकते हैं। होलसेल साड़ी शॉप मॉडल। यदि आपने कुछ समय तक रिटेल साड़ी विक्रेता के रूप में काम किया है और थोड़ा बहुत मुनाफा कमाया है तो आप अपने मुनाफे को बतौर निवेश पर होलसेल साड़ी शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे मुनाफे की संभावना अधिक रहती है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में आपको निवेश के साथ साथ डेडिकेशन और मेहनत की जरूरत होती है। साड़ी व्यवसाय में भी आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि शुरुआत में दूसरी कंपनियों से कंपटीशन के कारण आपको अधिक मार्केटिंग और निवेश की आवश्यकता होगी। एक बार आपकी कंपनी का नाम चल जाने पर आसानी से अधिक मुनाफा हो सकता है। तो चलिए, मुझे तो लगता है कि साड़ी का बिजनेस एक बहुत ही फायदे का सौदा है, और अगर आप इसको ऑनलाइन लेके जाते हैं तो ये और भी आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो साड़ियाँ पहनना पसंद है तो आप साड़ियों के बारे में जानते ज़रूर होंगे। अगर आपको पता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है और किस कपड़े की क्या खासियत है, तो आपके लिए बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बिज़नेस शुरू करेंगे तो प्लीज़ एक बार थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। बाय बाय। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।